के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनियों का फर्जी स्टिकर बनाने में लिप्त दो लोगों को राजघाट पुलिस ने धर दबोचा, रैकेट के छानबीन में जुटी पुलिस। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीपद शुक्ला ने कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र भेंट कर किया सम्मानित की चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के कार्यों की तारीफ। बेलीपार पुलिस को शुक्रिया, गांव के निवासी अर्जुन की हत्या में शामिल एक आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। गोलहरिया पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 इनामी आरोपी, गैंग बनाकर लूट और चोरी की घटना को देता था अंजाम। समायोजन बहाल किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का दूसरे दिन भी विरोध रहा जारी, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों लखनऊ में शिक्षा कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में 6 दिनों से आंदोलनरत यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा कार्य बहिष्कार हुआ समाप्त। सैजना पुलिस ने 3 गौ तस्करों की धरपकड़ कर भेजा जेल, पुलिस अधीक्षक उत्तरी रोहित सिंह सहवाण ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त बैठक हुई संपन्न, पात्र और अपात्र लाभार्थी की सूची तैयार करने में दिया गया जोर। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में सपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के न्यू कर्मचारी संघ भवन का शुक्रवार को कुलपति करेंगे लोकार्पण। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष अलका अग्रवाल ने महिला गृह उद्योग के मोबाइल वैन शॉप का किया उद्घाटन। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर पद के साथ राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद के दायित्व का भी करेंगे निर्वहन। और कायाकल्प इनामी योजना के अंतर्गत शुरू हुई जिला महिला चिकित्सालय की जिला स्तरीय ई वैल्यूएशन प्रक्रिया।